है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता। बात मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं कि अनुषा इस घर की बहू नहीं बन सकती, और कितनी बार बताऊंगी। यानी कि आप मेरी जिंदगी का फैसला कर रहे हैं अंदाजे के बेस पर कि मैं उससे शादी कर लूं। आपने जाके तय भी कर दी बात सर। मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं, तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। यानी कि आपकी दो दिन की खुशी के लिए मैं अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दूं और साथ उसकी भी। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो ये बोलो ना कि तुम उस सर फेरी बदतमीज लड़की के चक्कर में उससे शादी करना चाहते हो। मैं उसी से शादी करना चाहता हूं, लेकिन आपकी खुशी आपकी रजामंदी के साथ। ऐसा कभी नहीं होगा। बस ठीक है, मैं भी नहीं कभी शादी करूंगा। बाबा अब तक अनुषा से नफरत करते हैं, लेकिन क्यों, उसने ऐसा क्या कर दिया? लेकिन मेरा फैसला भी अटल है। Thank you.
बाहर जा रहे हैं। इकबाल, जी सर, नदीम की गाड़ी कहाँ है? तो चले गए सर। अच्छा, अकेला ही था या कोई साथ ही था? नहीं, वो अकेले थे सर। अच्छा ठीक है, आप जाओ। इस वक्त कहाँ जा सकता है? सुबह यूसरा से पूछते। कोई लापरवाही नहीं चलेगी, तुम्हें अपनी राइट का प्रॉपर ख्याल रखना है। तुम्हें वैसे ही लड़की कमी, और यूसरा तुमने भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखा। यूसरा की तो बिल्कुल भी फिक्र मत करें आप, मैं खुद इसका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी इसकी गोद भर जाएगी। थैंक यू। थैंक्स ही क्या बात है, फैमिली है मेरी। देखा कितना ख्याल है। होना भी चाहिए, आखिर तुम्हारी बीवी है, इस घर की मालकिन है, जिम्मेदारी तो वैसे इसी की बनती है। और हम तो खैर जो कुछ भी कर लें बदनाम ही रहेंगे। चलो, इस बहाने तुमने माना तो सही कि इस घर की सही मालिकन यही है। इतनी देर से खैरियत? बस आपकी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, सर में दर्द हो रही थी, नींद नहीं आई सही से। क्या बात है, कोई परेशानी है तो बताओ। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? मुझे अच्छी तरह से मालूम है क्या टेंशन है तुम्हें। मैं
यूसरा रात को नदीम कहाँ था? कल रात? हाँ, मैं जागा हुआ था तो मैंने गाड़ी की आवाज मुझे सुनाई दी तो गेट की तरफ गया। वहां पूछा तो घर पे नहीं था, गाड़ी पे कहीं अकेला गया। मुझे नहीं पता भाई, मैं सो रही थी, मुझे लगा कि वो सुबह कहीं गया है, क्योंकि कल रात भी वो सुबह सुबह कहीं निकल गया था मुझे बिना बताए। ये क्या बात हुई, वो सारी रात से गायब है और तुम्हें बताकर नहीं गया, तो मैसेज छोड़ के जाना चाहिए था उसे। नहीं बाबा, मैं तो सो रही थी, पता नहीं आजकल मुझे जल्दी नींद आ जाती है और सुबह देर तक सोती रहती हूँ शायद। फिर भी बेटा उसे एक कॉल तो करनी चाहिए थी, कोई मैसेज छोड़ जाता, किसी को बता जाता। पापा को इमरजेंसी भी हो सकती है और वो नहीं चाह रहा होगा कि इसे डिस्टर्ब करें। फिर भी पता तो चले ना अगर कोई प्रॉब्लम है तो। आई एम श्योर कि उसके फादर की तरफ से कोई प्रॉब्लम आई होगी, इसलिए शायद अपनी टेंशन दूर करने के लिए चला गया होगा किसी दोस्त को उसके पास। ये कौन सा तरीका टेंशन खत्म करने का? उसे फोन करके पूछो कि वो कहाँ है और आइंदा वो तुम्हें बता कर जाए। जी बाबा। छुपी बैठी थी? हाँ, मैं जहां भी छुप जाऊं तुम मुझे ढूंढ निकालते। सोचा था यहाँ बैठ के आराम से टेस्ट की तैयारी कर लूंगी, लेकिन नहीं, तुम यहाँ भी हाजिर हो गए। एक बात बताओ वैसे, कि तुम मुझे हर जगह ढूंढ कैसे लेते हो? तुम्हारी खुशबू से जो चीख चीख करना तुम्हारा पता बता रही होती और मैं उड़कर फौरन से वहां आ जाता। वही डायलॉग्स, वही रोमांटिक बातें। अरे ऐसे काम क्यों नहीं करते तुम? क्या फिल्म में ट्राई करो, अच्छा चांस मिल जाएगा तुम्हें। क्या डायलॉग्स बोलते हो, क्या एक्टिंग करते हो तुम? और तुम्हें ना हिटलर के खानदान में पैदा होना चाहिए, इतनी सख्त दिल और जालिम होती, हमेशा मेरी खुशियों को ना कुचल कर आगे बढ़ जाती। और छोड़ो यार, तुमसे बात ही करना। तैयारी की टेस्ट की? कौन सा टेस्ट? निकम्मे। अजी तुमसे नजर हटे तो टेस्ट की तैयारी करूंगा। शट अप। यार इसे बंद करो यार, बात करूं।
क्या बात है? कुछ अच्छी थी। जब मेरी जिंदगी से निकल गई हो तो मेरे दिल से क्यों नहीं निकलती? मत याद आया करो मुझे। वरना मैं पागल हो जाऊंगा। फोन करने का कोई फायदा ही नहीं है आंटी, उसका फोन बंद है। ऐसे निहायत ही इर्रेस्पॉन्सिबल इंसान है, कल रात से गया हुआ है और फोन भी बंद कर दिया है। अब तुम मुझे बताओ, फारूक आएगा वो तो मुझे बातें सुनाएगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी। ऐसा तो नहीं कि नदीम के साथ कोई हादसा हो गया हो? ये फजूल बातें मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं हुआ हो। तो फिर क्या हुआ है ऐसा जो वो रातों रात मुझे बगैर बताए चला गया है? मैं दोस्तों को उसके कॉल करती हूँ, पूछती हूँ। जी आंटी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बाबा की कॉल है। तुम बात करो, मैं आती हूँ। हेलो जिसरा बेटा, नदीम से बात हुई? नहीं बाबा, उसका फोन बंद जा रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है बाबा, कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो गया। नहीं बेटा, तुम खामखा टेंशन ले रही हो। तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है, तुम टेंशन नहीं लो। हो सकता है किसी काम में फंस गया हो, उसका मोबाइल चार्ज ना हो। किसी दोस्त को फोन कर। आंटी कर रही हूँ उसके दोस्त से बात। अच्छा, जैसे ही बात हो जाए मुझे बता। ठीक है बेटा, टेंशन नहीं लेनी बस। ओके ओके बाबा, खुदा हाफिज। हाँ, मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं। और कुछ रोज पहले मैंने उसको एक ट्रैवल एजेंसी में देखा था। ट्रैवल एजेंसी? लेकिन जब मैंने उसको जरा पूछा तो मुझे टाल गया। तुम मुझे बता सकते हो कौन सी ट्रैवल एजेंसी में गया है वो? आई मीन एड्रेस दे सकते हो मुझे वहाँ का? हाँ हाँ श्योर। एक मिनट। हाँ एक सेकेंड प्लीज। हाँ, एड्रेस बताओ प्लीज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पता ये करना है कि वो यहाँ से गया भी है कि नहीं। बनती हो ना तुम, शर्म नहीं आती? अपने शौहर के भाई के साथ चक्कर चला रही हो? शफक, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। तुम तो चुप कर जाओ, एक दफना निकाल अपने मुंह से। अभी तो मैंने तुम्हें इसकी बाहों में देखा है ना। क्या हुआ आंटी, कुछ पता चला? नहीं अभी तो कुछ पता नहीं चला है।
मैं क्लब जा रही हूँ, देखो वहाँ पूछती हूँ किसी से। उसका अपार्टमेंट, हाँ उसका अपार्टमेंट जो उसने परचेज किया था वो आपको पता है ना कहाँ है? अपार्टमेंट? हाँ हाँ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। क्यों? आपने तो कहा था कि आपने वो विजिट किया है। हाँ बिल्कुल गई थी मैं, लेकिन रात का वक्त था ना, तो एक्चुअल एड्रेस क्या था ध्यान में नहीं आ रहा। कहाँ ढूंढेंगे उसे आंटी, अब क्या होगा? तुम फिक्र नहीं करो ना, मैं जा रही हूँ क्लब, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ पता करके आती हूँ। डोंट वरी। हाँ ओके बाय। क्या हो गया जो आपने मुझे एकदम लंच पे बुला लियो? एक जरूरी बात करनी थी। कहें? अरे कुछ खा तो लो। एक बात पूछनी है तुमसे और मैं चाहता हूँ कि मुझे उसका सच सच जवाब। झूठ बोलना मैंने सीखा है। ठीक है, मुझसे मोहब्बत करती है या मेरे जज्बात का एहतराम? ये किस तरह का सवाल है? इसलिए पूछ रहा हूं कि कभी तुमने मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं किया। आपने मुझे यहाँ ये पूछने के लिए बुलाया? हाँ, मुझे लगा कि कहीं ये मेरी खुशफहमी तो नहीं। अम्मो के अलावा ऐसा कोई भी नहीं जिसके बुलाने पर मैं ऑफिस से उठकर आ जाऊं। और ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है जो मैं आई हूं, है ना? तो आप बताइए, क्या इतना काफी नहीं है आपके इत्मीनान के लिए? अच्छा, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। और कितनी दफा ये बात प्रूव करनी पड़ेगी मुझे? फिर कभी। एंड आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी था क्योंकि मैं एक बहुत जरूरी फैसला लेने लगा। कैसा फैसला? बाबा हमारे बारे में कोई वाज़े जवाब नहीं दे रहे और मैं अब इससे तंग आ गया और मुझसे और इंतजार नहीं हो जाए। तो मैंने ये फैसला लिया कि अब मैं घर छोड़ दूंगा। Then I'm so sorry. लेकिन आपके इस फैसले में मैं आपको कोई साथ नहीं दे सकती। मेरा जवाब आज भी वही है जो कल था। अंकल की रजामंदी के बगैर मैं आपका साथ नहीं दे सकती।
प्लीज थैंक्स। फारूक प्लीज आप इतना परेशान मत, रायना गई है ना, वो कुछ ना कुछ पता करके जरूर आएंगी। सबसे बड़ा डर मैं हूँ, अपनी बेटी की जिद के हाथों मजबूर होकर जल्दबाजी में उसकी शादी करना। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई अहबाब, किसी को भी नहीं जानता। अब पुरानी बातों पे पछताने का कोई फायदा नहीं है फारूक। पछताना तो पड़ेगा, किसी को भी तो नहीं जानता मैं। अरे मेरे पास तो उसके पेरेंट्स का नंबर तक नहीं। हाँ ये एक अजीब सी बात है कि हमारे पास उसके पेरेंट्स का नंबर नहीं है। युसरा के पास होगा, आप उससे पूछिए ना। पूछता हूँ। आ जाओ। नहीं ना। मिला नंबर? नहीं। क्या मतलब? उसकी माँ तुम्हारी बहुत पुरानी दोस्त थी और तुम्हें पता ही नहीं है। ना वो क्लब आ रहा है और ना ही किसी दोस्त से मिला है। तो कहाँ गया? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। मुझे क्या पता वो कहाँ गया है, ये सारी बातें तो उसकी बीवी को पता होनी चाहिए ना। मैं कोई उसकी बॉडीगार्ड थोड़ी हूँ जो हर रोज की चौकीदारी करूँ। ठीक है तुम उसकी बॉडीगार्ड नहीं थी, लेकिन वो तुम्हारे रेफरेंस से युसरा से मिला था और तुम उसकी माँ को जानती तो थी। उसकी माँ को मैं जानती थी क्योंकि वो क्लब की मेंबर थी, उनसे मेरी सलाम दुआ हो गई और बस। ये बातें तो मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है मैं हमदान को भेजता हूँ क्लब से कोई मालूमात लेता है। तुम्हारे पास उसके अपार्टमेंट का एड्रेस होगा, वो बताओ मुझे। मुझे क्या पता एड्रेस क्या है, वो तो पता नहीं। रात को उसने कभी मुझे अपना घर दिखाया था और मुझे याद भी नहीं है कि वो कहाँ है। क्या क्या मतलब क्या? फारूक ये तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हारा दामाद कहां रहता है। मेरी लेकिन तुम्हें तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी से और रोमांस से फुर्सत मिले तब तुम ध्यान दो ना। इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूं। मामा मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे उस पर शक है, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी। देखें आप क्या हुआ है। रायना भी तो अपनी सारी बातों से मुकर गई। उसी ने नदीम से मिलवाया था, उसने मुझे तसल्ली दी थी कि वो युसरा को अपनी बेटियों की तरह प्यार करती है। प्लीज बाबा ये आपको लगता होगा लेकिन मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। I'm sorry। और जहां तक मैं उनको जानता हूं ना, जो समझ चुका हूं उनको, मुझे तो ये पता है कि वो बहुत ही खुदगर्ज हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं और अपने से ही मोहब्बत करती हैं और किसी और से। और इस तरह का इंसान जो है ना वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
खानदान इन बातों का फायदा नहीं है, आप सोचो ये कि करना क्या है। पता नहीं मैं कल जाता हूँ, कल पता करता हूँ वहां से क्लब से, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। रायना से पूछो उसकी अम्मी का नाम, हो सकता है कि उसकी क्लब में कोई एंट्री हो, कोई पता चल सके। पापा मुझे हैरत तो इस बात पे हो रही है कि जब आपको पता था कि उसने आपकी बेटी के नाम पे एक अपार्टमेंट लिया, उस अपार्टमेंट का ही पता कर लेते, उसका एड्रेस ही पता होना चाहिए था एटलीस्ट हमें। मैंने उसको बोला था कि इंटीरियर के लिए हमदान को अपने साथ ले जाओ। पहले तो उसने हामी भर ली, लेकिन बाद में कहा कि फिनिशिंग पर ले जाऊंगा। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन कभी आपने मुझे यूसरा के मामले में बोलने नहीं दिया। और ना ही उसको पसंद था कि उसके मामले में बोलूं, और खास तौर पे नदीम के मामले। बाबा, 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 मेरी सारी ज्वेलरी बॉक्सेस में, ज्वेलरी है ही नहीं, मेरी सारी ज्वेलरी गायब है, चोरी हो गई मेरी ज्वेलरी, आप देखें आके आए। आपके ट्रैवल एजेंसी से नदीम सरवर ने टिकट बुक कराई है लंदन की, थोड़ी डिटेल्स मुझे बता सकते हैं, कब की फ्लाइट है उनकी? हाँ बिल्कुल, जी नदीम सरवर साहब ने 2 रोज पहले ही लंदन की टिकट बुक कराई थी, सुबह 5 बजे की फ्लाइट थी। तो वो जा चुके हैं जी। ओके थैंक यू। नदीम, तूने मुझसे फ्रॉड किया है रायना से? अरे लंदन कितनी दूर है, मुझे तुम्हें कब्र से निकाल दूंगी। पता चला कि ये ज्वेलरी सारी तुम ड्रॉअर में रखती हो अंदर? भाई वो क्या है यार, प्लीज खुल के बताओ, इतना नुकसान हो चुका है। बाबा नदीम ने कहा था कि वो एक बहुत बड़ी दावत कर रहा है और उसकी खानदान की रस्म के मुताबिक बेबी शावर में लड़की अपनी ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल ड्रेस पहनती है। ऐसा वो नहीं चाहता, उसकी मॉम ने कहा था। तो तुमने सारी ज्वेलरी उसे दे दी? नहीं, मैंने ज्वेलरी उसे नहीं दी, मैंने सिर्फ दिखाया था कि ज्वेलरी मैंने ड्रॉअर में रखी हुई है। और तुमने दिखाई और वो सब कुछ उठा के ले गया यहाँ से? भाई ऐसा नहीं है, नदीम ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, यकीनन उसके साथ कोई हादसा होगा।
हो सकता है कि उसे अपार्टमेंट के लिए और पैसे चाहिए हो, तो अपार्टमेंट के लिए तो मैं ऑलरेडी उसको पैसे दे चुका हूं। नहीं, क्या मतलब अपार्टमेंट के लिए पैसे दे चुका हूं? आपने उसे अपार्टमेंट के लिए भी पैसे दिए? अपार्टमेंट तो शायद उसने खुद ही परचेज किया था, लेकिन लाख कम पड़ रहे थे तो वो मैंने उसको दिए थे। उसके अलावा ऑन एंड ऑफ मैं उसको कुछ और पैसे देता रहा हूँ, कोई 1.5 करोड़ के करीब दिए मैंने उसे। उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। मैंने मना किया था उसे। भाई आपने क्या किया? जैसे आपकी ज्वेलरी, वो सब कुछ निकल गया, वो हमारे हाथ नहीं आएगा। भाई ऐसा ना कहें। पापा, हो सकता है कि नदीम किसी मुसीबत में हो, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। दूसरा प्लीज, तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल।